सर्दियाँ शुरू होते ही हमारा खाना बदल जाता है, हमारे कपड़े तक बदल जाते हैं, लेकिन स्किन केयर हेयर केयर में बदलाव हम नहीं करते क्योंकि हम आलसी हो जाते हैं, और ख़ास तौर से जो मेल्स होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते। और ऐसे में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो पुरुष होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनको कैसे ध्यान रखना चाहिए अपने स्किन का भी और अपने बालों का भी इन मौसम में? देखिए, पहले हम लोग बालों से शुरू करते हैं। तो एक तो आपको अपने हेयर्स को ओवर वॉश भी नहीं करना है जी, और अंडर वॉश भी नहीं करना जी। ओवर वॉश का मतलब कि अगर आप डेली वॉश कर रहे हैं और आपके शैम्पूज थोड़े हार्श हैं जिसमें केमिकल्स हैं, तो आपका हेयर और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और अंडर वॉश का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं कि आप वीक में एक ही बार वॉश कर रहे हैं, तो कम से कम आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है, वीक में कम से कम 3 times वॉश करना है। अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं तो आपको वीक में 2 या 3 जब भी आप शैम्पू करें उसके बाद कुछ कंडीशनर का यूज़ करना है और हेयर सीरम का यूज़ करना है। और दूसरा प्रॉब्लम जो इस सीज़न में बढ़ जाता है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, वो है डैंड्रफ का। जी बिल्कुल। तो डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए या उसको कंट्रोल, डैंड्रफ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपको कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऐसा यूज़ करना चाहिए जिसमें कीटोकोनाजोल एक कंपाउंड होता है जो 1 या 2% की कंपोजिशन में होना चाहिए, वो आप वीक में कम से कम 2 उसको यूज़ करें और उसको 4-5 अपने स्कैल्प पे छोड़ें, फिर उसको वॉश करें। और सर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का जो ये कंपोजिशन है ये? देखिए, हॉट वाटर अगर बहुत हॉट वाटर है तो वो आपके डैंड्रफ को इंक्रीज करेगा जी, और कोल्ड वाटर से आपका डैंड्रफ बिल्कुल ठीक रहता है। पर कोल्ड वाटर से आप इस तरीके की ठंड में नहा नहीं सकते, तो जरूरी है कि आप लुकवॉर्म वाटर को यूज़ करें और उसी से अपने हेड को वॉश करें। ओके। और सर, स्किन केयर में पुरुषों को खासतौर से मेल्स को क्या ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में? देखिए, इस मौसम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ड्राइनेस की, और ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो आपको 2 का ध्यान रखना है इसमें कि एक तो आपका जो फेस वॉश है या जो आप सोप यूज़ कर रहे हैं फेस को वॉश करने के लिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा है। तो आपको इस तरीके के क्लींजर्स यूज़ करने चाहिए जो आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करते और आपकी स्किन को क्लीन भी कर देते हैं। और फिर मॉइस्चराइज़र का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप दिन में 2 या 3 मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, तो उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, ठीक रहेगी। तीसरा रोल है सनस्क्रीन का। इस वेदर में हमको लगता है कि धूप नहीं है, सनस्क्रीन क्यों लगाएं? तो पर इवन ऑन अ क्लाउडी डे 80% ऑफ द यूवी रेज आर रीचिंग द अर्थ, तो और वही यूवी रेज आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, बिकॉज दैट इज सन डैमेज। तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप सनस्क्रीन विंटर्स में भी उसी तरीके से लगाएं जिस तरीके से आप समर्स में लगा। ओके। और सर, नाइट केयर पुरुषों को किस तरीके से करना चाहिए रात में खास? देखिए, नाइट केयर आपके डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको प्रोडक्ट्स डिफरेंट तरीके के यूज़ करने पड़ेंगे। अगर ऑयली स्किन है तो आप कुछ रेटिनॉल बेस्ड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स यूज़ करें, तो वो आपकी स्किन में जो एजिंग है उसको भी रिवर्स करेगी, उसको थोड़ा रोकेगी भी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अगर आप रेटिनॉल और ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स को यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देगा, बहुत लंबे समय तक उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जी। तो उस कंडीशन में मेल्स में हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप कुछ विटामिन सी सीरम और या फिर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स होते हैं जो आप यूज़ करें रात में, स्पेशली दोस जिनकी ड्राई स्किन है। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो स्किन और हेयर विंटर्स में भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं, तो बाल जो हैं वो आपके डैंड्रफ से परेशानी होने वाले हैं और स्किन भी चमकने वाली है, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा।